सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे फोन बताऊंगा जिन्हें आप अमेजन की सेल से ले सकते हो दोस्तों इस महीने। जी दोस्तों, अमेजन पर दोस्तों कुछ टाइम पहले सेल स्टार्ट हुई थी जिसमें काफ़ी अच्छे से फोन देखने को मिले थे। दोस्तों वो सेल खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी दोस्तों अमेजन पर फिर से सेल शुरू हो चुकी है जो दोस्तों अभी स्टार्ट है, अभी लाइव है, अभी चल रही है दोस्तों, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे स्मार्टफोन हैं जो देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस सेल के अंदर हमें जो 3 बेस्ट स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से वो मैं आपको बताऊंगा, जो दोस्तों काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको अगर कोई फ़ोन खरीदना है तो दोस्तों आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए इस सेल के अंदर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर लेकर आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो आपको अच्छे से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको 3 स्मार्टफोन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों पहले फ़ोन की बात करें तो ये आता है दोस्तों रेडमी की तरफ से। यह दोस्तों रेडमी का नोट 9 प्रो आपको इस सेल में 13,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास कोटक बैंक का या फिर ICICI बैंक का कार्ड है तो आपको इसके ऊपर 1,000 रुपये डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से फ़ोन आपको 12,000 रुपये पड़ सकता है, जो दोस्तों मैं कहूँ काफ़ी अच्छी डील है। दोस्तों 12,000 रुपये में स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर और दोस्तों ग्लास बॉडी और 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है इस फ़ोन में हमें, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो तो 12,000 रुपये दोस्तों बिना टेंशन ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा फोन लेना चाहते हो जिसमें आपको ग्लास बॉडी मिले, बैटरी काफ़ी बड़ी मिले, डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी अच्छी हो और दोस्तों प्रोसेसर है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा दिया गया हो तो आप इस फोन को 12,000 रुपये में ले सकते हो बिना टेंशन के। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे फोन की तरफ जो दोस्तों आता है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको सैमसंग का ये फोन चाहिए होता है। तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो सैमसंग के ब्रांड का हो तो दोस्तों आपके लिए है सैमसंग का गैलेक्सी M31। यह दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल में 15,500 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोटक बैंक का या फिर ICICI बैंक का कार्ड है तो इस पर आपको 1,000 रुपये डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से फोन आपको 14,500 रुपये देना पड़ सकता है, जो दोस्तों मैं कहूँ काफ़ी अच्छी डील है। दोस्तों 6GB और 64GB वाला वेरियंट आपको इसका सिर्फ 14,500 रुपये देने मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जो सैमसंग ब्रांड का हो, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई हो, दोस्तों इसकी बैटरी काफ़ी बड़ी है 6000mAh की, दोस्तों अगर आपको सैमसंग के फोन चाहिए तो आप इस फोन ले सकते हो। इसमें जो दोस्तों प्रोसेसर है वो थोड़ा पुराना है 9611 का Exynos का, बट दोस्तों काफ़ी अच्छा काम करता है क्योंकि दोस्तों इसकी जो ऑप्टिमाइजिंग है UI की दोस्तों वो काफ़ी अच्छी दी गई है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों अगर आपको सैमसंग का डिवाइस चाहिए तो आप M31 ले सकते हो। वैसे दोस्तों F41 भी सेम इसी की फीचर के साथ आता है बट दोस्तों वो आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा। दोस्तों आप अमेजन से लेना चाहते हो तो M31 ले सकते हो और फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो तो दोस्तों आप F41 ले सकते हो। दोस्तों दोनों सेम फ़ोन हैं बट जो है कि थोड़ी बहुत चेंज दी गई है इन दोनों फ़ोनों में। तो सैमसंग के फोन दोस्तों आपको चाहिए तो आप M31 या फिर F41 ले सकते हो, जो दोस्तों आपको अलग अलग साइड पर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे फ़ोन की। दोस्तों जो आता है रेडमी तरफ से, रेडमी का 9 प्राइम। दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको एक ऐसा फ़ोन चाहिए होता है जो सिर्फ 10,000 रुपये के अंदर आया है। दोस्तों यही एक फ़ोन है जो आपको 10,000 रुपये के अंदर फुल HD डिस्प्ले देता है। यह दोस्तों रेडमी का 9 प्राइम आपको अमेजन सेल के अंदर 10,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसका जो रियल कैमरा है वो आपको 13 MP का मिलता है, इसका जो दोस्तों फ्रंट कैमरा है वो 8 MP का है। दोस्तों कैमरा बोलूँगा ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बट दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों काफ़ी अच्छी है। आपने देखा होगा रेडमी के जो फ़ोन होते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे चलते हैं। दोस्तों इसमें हमें 6.5 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है, फुल HD डिस्प्ले मिलती है दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है फुल HD डिस्प्ले। और दोस्तों इसमें आप 2 SIM और 1 MP लगा सकते हो। दोस्तों आपको ये भी टेंशन नहीं है कि जिसमें हाइब्रिड दिया गया है तो आप 1 SIM या फिर आप इसमें 2 SIM या फिर 1 SIM मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। दोस्तों आप इसमें 2 SIM और 1 MP आराम से लगा सकते हो। दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी दी गई है, इसमें दोस्तों ये बैटरी दी गई है वो 5020mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है। दोस्तों ये फ़ोन आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी दे सकता है, अगर आपका नॉर्मल यूज है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बैटरी को ले गई। और दोस्तों प्रोसेसर जो है दोस्तों वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, MediaTek का Helio G80 का प्रोसेसर है। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, इसमें ज़्यादा पावरफुल नहीं है बट दोस्तों रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। दोस्तों अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जो 10,000 रुपये के अंदर आया है और जिसमें फुल HD डिस्प्ले हो, रेडमी की ब्रांडिंग हो, तो आप इस फ़ोन को बिना झिझक के ले सकते हो। दोस्तों जो 3 फ़ोन थे जो मेरे हिसाब से आपको इस सेल से लेने चाहिए अगर आप अमेजन से फ़ोन लेना चाहते हो तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है अलग अलग प्राइस के हिसाब से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ।
तो फिर मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।